चलिए देखिए, अब जो है एमएस डॉस में हम लोग एडिट कमांड में एडिट मेनू के बारे में जानेंगे कि एडिट मेनू में कौन कौन सी चीज़ हम लोग को करना है और कौन से ऑप्शन से क्या करना है सो। ठीक है, ये एडिट मेनू है। एडिट मेनू में जो है सबसे पहले हम लोग को करना है कट कॉपी पेस्ट। चलिए देखिए, इट ऑप्शन अलाउ यूजर टू कट और डिलीट एनी पेज करा है। इस ऑप्शन के उपयोग से जो है हम लोग कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रोसेस है, क्लिक एडिट मेनू, एडिट मेनू में जाना है और क्लिक कट ऑप्शन, और कट ऑप्शन आएगा उस पर जाकर क्लिक करना है, या कंट्रोल प्लस एक्स कर देंगे तो वहां से भी आप कट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी से क्या होता है समझिए, दिस ऑप्शन अलाउ यूजर टू कॉपी वन फाइल टू अनदर फाइल, एक फाइल से दूसरे फाइल में हम कोई भी चीज को कॉपी करके रख सकते हैं इन डॉस। कैसे करेंगे कॉपी, प्रोसेस है, क्लिक एडिट मेनू, एडिट मेनू में जाना है, क्लिक कॉपी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेस्ट करा है, दिस ऑप्शन अलाउ यूजर टू, यह ऑप्शन के उपयोग से जो है कॉपी और पेस्ट
आप किसी भी फाइल को पेस्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम रख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस है, क्लिक डिलीट मेनू और क्लिक पेस्ट ऑप्शन या कंट्रोल प्लस वी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को एडिट कमांड में एडिट मेनू में इतना चीज हम लोग को पढ़ना है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे, ऑप्शन और कलर सेटिंग मेनू में जानेंगे MS DOS में उसमें क्या करना होता है। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे।